तो चलिए समझते हैं सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर का नाम जो आप सुन रहे होंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब ये बेसिकली कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेट और मैग्नेट रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उन सब के बारे में स्टडी करने वाले डिटेल में। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी चार्जेस रहेंगे ये मोशन में ही रहने वाले। क्लियर दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस मतलब रेस्ट में थे, फिर उसके बाद से फिर मोशन में आ चुके हैं। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आप लोग को मोशन वाला ही दिखने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाने थे, ऐसी टाइप की फील्ड जो पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टाइप की फील्ड होती है जो मैग्नेट के अराउंड में बनती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती है और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इनसाइड में कैसे? इनसाइड में साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड चलती है। इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। सेम टू सेम अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट में भी देखूं तो सेम इसी तरीके से आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड जाते हुए दिखती है। हर मैग्नेट के अराउंड, चाहे वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो या फिर एक नेचुरल मैग्नेट हो, अपने अराउंड में इमेजिनरी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी ऐसे मटेरियल को जो मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब क्या? अगर कोई मैग्नेट के अराउंड में मैंने कोई समझ लो मेटल के टुकड़े उकड़े रख, वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। क्यों करेगा? ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के वजह से, बिकॉज उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर मैं मान लूँ कि यार ये एक मैग्नेट है और मैंने इतने दूर में रख दिया है ना, बहुत दूर पे रख दिया मान लो मैंने एक आयरन की पीस को, तो क्या वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां तक नहीं जा रही। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी टाइप की फील्ड होती है जो एक्चुअल में मटेरियल को इन्फ्लुएंस करती है और अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर दोस्तों? तो मेरे को नहीं लगता इसमें आप लोग को कोई ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला से डिनोट करते हैं। 1 टेस्ला होता है 10^4 गॉस और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है 1 टेस्ला। तो ये चीज याद रख लेना। क्लियर दोस्तों? अगली चीज बात करी जाए तो आप में से काफी सारे लोग कहोगे भैया ठीक है मान लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन पता कैसे चला कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया? देखो भाई, तो यहां पे एक ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट में यह कहा गया कि अगर हम लोग किसी भी एक पॉइंट चार्ज को ले लिए, मान लो एक पॉइंट चार्ज को ले लिए और हम ये कह रहे हैं कि वो अभी रेस्ट पे, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं लगेगी जब चार्ज रेस्ट पे हो। अगर मैं कहता हूं कि चार्ज वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फ्लुएंस हो रही है, साथ ही साथ उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो ऑस्टर्ड का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में यह करा गया कि बैटरी को ऑफ किया गया। बैटरी को जैसे ही ऑफ करा गया तो कोई करंट नहीं दौड़ रहे, मतलब कोई चार्जेस यहाँ पर मूव नहीं कर रहे, मतलब सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं। सारे चार्जेस जब रेस्ट पे हैं तो हम लोगों ने मतलब हमने नहीं ऑस्टर्ड वाले भैया ने क्या करे कि एक कंपास को उस वायर के करीब लेकर आए तो ऑब्जर्व करें कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये समझ में आया कि यार इसके अराउंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही, क्योंकि कंपास तभी डिफ्लेक्ट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? फिर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि बैटरी को ऑन किया गया, जैसी बैटरी ऑन किया गया तो करंट दौड़ा। आप सभी लोग जानते हैं जब करंट दौड़ते हैं तो चार्जेस वी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और जब चार्जेस वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे तो इसके अराउंड में परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जो कंपास था वो एक्चुअल में डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट था ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट का। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक के चीजें आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहां से ये चीज प्रूफ हुई कि मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, ना कि एक चार्ज जो रेस्ट पे हो। लेकिन एक रेस्ट में अगर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म नहीं करेगा। लेकिन मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी भी शो करता है। समझ में आया? इस वजह से इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया ठीक है मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने बता दिया, सब कर दिया, अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करें? तो मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रही है तो दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप लोग स्क्रू रूल से कर सकते हो, मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से समझ लो, काम बन जाएगा। मान लो कि करंट इस तरफ दौड़ रहा है तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है मान लो आपने अपना थंब को रख लिया। क्लियर दोस्त? हाँ है ना? और जहां पे आप फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ऐसे देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो अगर आपका फिंगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। हाथ जहां पे आपका मूव हो रहा है देखो ना, इसी तरीके से बना रहे हैं ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरे थंब को नीचे ले लूं, मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे, कर्ल फिंगर किस तरफ हो रही है? इस तरफ, मतलब ऐसी आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मान लो करंट ऐसा दौड़ रहा तो आप चेक करो करंट ऐसा दौड़ रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, या करंट अपोजिट में दौड़ रहा है, मतलब ऐसा दौड़ रहा, मतलब इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होगी। हाँ यार भाई लोग, चलिए भाई। तो अब आपने कहा कि ठीक है भैया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिए,
कैसे पता कर सकते हैं, वो समझ लिए कौन सा डायरेक्शन है। अब ये बता दो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको कैसे पता करें। तो डिटर्मिनेशन के लिए आप लोग दो लॉस को यूज करते हो, एक है बायो सावर्ट लॉ, दूसरा है एम्पेयर्स लॉ। आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला होता है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ के बारे में आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना। बायो सावर्ट लॉ ना एक्चुअल में, मान लो मैंने एक लंबा सा वायर लेकर गया बायो सावर्ट भैया के पास, मैंने कहा बायो सावर्ट जी आप तो इतने बड़े अज्ञानी इंसान हो, एक काम करिए ना इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, मुझे आप बता पाओगे इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो बायो सावर्ट ने कहा कि यार देखो मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, तुम्हारे लिए नहीं बैठा हूं मैं, है ना। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करे बायो सावर्ट की, भाई बता दो यार ऐसा मत करो। तो बायो सावर्ट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखो यार मैं पूरी लेंथ के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक काम करता हूं कि बहुत लंबा सा जो तुम्हारा वायर है उसके छोटे से पोर्शन, मतलब उसकी एलिमेंटल डिस्टेंस के बारे में मैं आप लोग को बता सकता हूं कि उसके पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मान लो कि एक लंबा सा वायर है, बायो सावर्ट ने ये कहा है कि हम पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाएंगे, हम सिर्फ एलिमेंटल पोर्शन के लिए उसके पी डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हम बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मान लो इस वायर में करंट इस तरफ दौड़ रहा है, क्लियर दोस्त, और इस वायर में ये एलिमेंटल पोर्शन डीएल है, क्लियर दोस्त, ये पी पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो मान लो इस वायर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसका नाम आर है, और मान लो कि यहाँ कोई ना कोई एक एंगल बन रहा हो, कोई भी बन रहा हो, तो डिपेंड करता है, तो एंगल थीटा बन रहा हो, क्लियर दोस्तों। तो याद रखिएगा बायो सावर्ट लॉ में आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड पता चलती है, छोटे से पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड डीबी, क्लियर है ना, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर हुआ सब लोग को? ये चीज याद रखना। तो बायो सावर्ट लॉ ये कहता है कि जो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट उस पर दौड़ रहा है वायर पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिमेंटल पोर्शन के, और साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना इससे, क्लियर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस हो रहा होगा इस छोटे से पोर्शन के अंदर, क्लियर दोस्तों। तो इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो क्या ये इस तरीके से दिखेगा? हाँ जी दिखेगा भैया, जहां पे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर हो रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, दैट इज द कांस्टेंट। जैसे याद है आप लोगों को कूलॉम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था, यहां पे म्यू नॉट आया जिसको परमिएबिलिटी कहते हैं। मतलब क्या, ये एक ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी शो करती है जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करती है, वहां पे चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर रही थी। याद है आप लोग को कि परमिटिविटी ज्यादा थी तो वेलोसिटी कम थी, परमिटिविटी ज्यादा थी तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम था, याद आ रहा है वही वाला कॉन्सेप्ट, बस उसी का रेप्लिका है। तो एक किस्म से समझ सकते हो कि बायो सावर्ट लॉ एक किस्म से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ था वैसे ही मैग्नेटिज्म में ये बायो सावर्ट लॉ कूलॉम्स लॉ जैसा है, क्लियर दोस्तों। तो ये इसका स्केलर फॉर्म है जहां पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं डीबी दिख रही है, डीबी मतलब एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो उसी इक्वेशन में आर से इनटू आर से डिवाइड करा दीजिए, तो आर यहां पे आ जाएगा। तो देखो भाई ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मतलब ए क्रॉस बी, तो आपका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की पावर 3, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी है। हाँ जी चले भाई आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से यहां तक के क्लियर है। अब देखो बायो सावर्ट लॉ की दो एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है जो एग्जाम में आ सकती है। पहली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का। मान लो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसके बीचों बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने कहा कि एक करंट लूप सॉरी एक वायर है जो इस तरीके से सर्कुलर लूप में आपने उसको मोड़ दिए, हाँ है ना, और उसमें करंट दौड़ा रहे, तो करंट इस तरफ दौड़ रहे इस फॉर्म में, हाँ है ना। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, करंट अंदर की तरफ जा रहा है इस फॉर्म, देखो आप समझो ना, क्या ऐसे दौड़ रहे हैं? नहीं, करंट आप हाथ बाहर की तरफ, उंगली को आप बाहर की तरफ रखोगे तो पता चल पाएगा आपको कि करंट इस फॉर्म में दौड़ रहा है, क्लियर दोस्तों। तो अगर करंट इस फॉर्म में दौड़ रहा है मतलब अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ शो हो रही है। आपको पता करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो बायो सावर्ट लॉ के थ्रू तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो पता नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि छोटे से एक एलिमेंटल पोर्शन ले लेंगे डीएल, और उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, बेसिकली ना करंट ऐसे ही तो दौड़ रहा है। अब आप बोलोगे भैया इधर ही क्यों लिया गया, इधर ले सकते थे क्या? बिल्कुल ले सकते थे, करंट का डायरेक्शन ऐसा शो करना पड़ता, हो सकता है अगर आप चाहो तो इधर ले लेते, करंट का डायरेक्शन ऐसा शो करना पड़ता, क्लियर दोस्तों। तो आप लोगों ने क्या करें, एक छोटा सा पोर्शन लिए डीएल, उसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड पता कर लो, इंटीग्रेट कर दो टोटल लेंथ के लिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखो भाई हम लोग लगाने वाले हैं बायो सावर्ट लॉ। तो हमने बायो सावर्ट लॉ लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। यहां पे एक चीज याद रखना, डीएल और आर जो है ये डिपेंड करते हैं थीटा का एंगल क्या होगा। तो देखो भाई
अच्छे से ऑब्जर्व करना, डीएल ये है, आर ये है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री, इस वजह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री, तो डीबी की वैल्यू कितनी हो गई साइन 90, यहाँ पे आ गया साइन 90 कितना होता मैक्सिमम हो गया, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। हाँ या ना, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे, कर दिए भाई इंटीग्रेट, तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो जो डीबी है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना, और साथ में आप इस तरफ इंटीग्रेट कर रहे हो किसके डेरिवेटिव के लिए, डीएल के लिए, मतलब लेंथ के लिए, तो भाई एक बात बताओ सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है, सर्कल की टोटल लेंथ तो वही जो उसकी टोटल बाहर बाहर का एरिया है, बाहर बाहर के एरिया को क्या कहते हैं किस्म से, सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाहर बाहर सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, तो इसलिए मैंने इसकी रेडियस r थी, तो इसलिए मैंने इसको 0 से 2πr में इंटीग्रेट कर दिया, जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव अंदर रह जाएगा, तो डेरिवेटिव अंदर रहेगा बाकी सभी बाहर, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखो सब कुछ बाहर डेरिवेटिव अंदर 0 से लेकर 2πr, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल हो जाएगा 0 से 2πr। हाँ या ना, अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखे तो कितना हुआ 2πr, इक्वेशन सेम टू सेम, काटा पीटी हो जाएगी, यहाँ से 2π कट जाएगा, पाई से मतलब देखो पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 सा हो जाएगा और एक r कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की निकल के आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो कि ये लूप n नंबर ऑफ टर्न से गुजर रहा है, तो बेसिकली n नंबर ऑफ टर्न के लिए n से इनटू मार लो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है, ईजी सा डेरिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। तो नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले वाले डेरिवेशन में क्या कर रहे हैं, लूप के सेंटर पॉइंट पे बता कर कितना हुआ। अब मान लो ये मेरा हाथ जो है लूप है, समझ लो ये सर्कुलर लूप है, सामने से देखूंगा तो सर्कल दिख रहा है आपको, साइड से देखूंगा तो ऐसे ही दिखेगा जैसे डायग्राम में दिख रहा है हल्का सा, और इस पॉइंट पे पता कर रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। मतलब क्या, जैसे आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट दौड़ रहा है, नीचे गया ऊपर गया, मतलब इस फॉर्म में आपका करंट दौड़ रहा है। क्लियर दोस्त, आपको क्या करना है कि सर्कुलर लूप के पी पॉइंट पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर पाएंगे, तो बड़ा कंफ्यूजन है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के एलिमेंटल पोर्शन ले लेंगे, नीचे का एक एलिमेंटल पोर्शन ले लिए, ऊपर के एलिमेंटल पोर्शन लिए तो करंट का डायरेक्शन ये, और नीचे का एलिमेंटल पोर्शन लिए तो करंट का डायरेक्शन ये। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर आप लोग अच्छे से कर पाओगे तो, देखो मान लो ये सर्कुलर लूप है, क्लियर दोस्तों, मान लो ये सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप के, इस सर्कुलर लूप का ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, समझे, इस सर्कुलर लूप का ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया डीएल, और करंट ऐसा ऐसा दौड़ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में अगर देखूँ तो ऐसा होगा, आपको सामने से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, साइड से देखोगे तो ऐसा ना, तो ये मैं थोड़ा सा टिल्ट करके देख रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्लियर दोस्त। मैं अगर इसको हल्का सा टिल्ट करके देखूंगा तो ये ऐसा दिख रहा है, क्लियर है। सेम टू सेम मैंने नीचे का छोटा सा पोर्शन लिया, तो छोटा सा नीचे का पोर्शन लेने के बाद देखो ऐसा, साइड से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, क्लियर दोस्तों। हाँ यार, तो सेम टू सेम आपको यही दिख रहा है, लेकिन कॉइल रखी हुई है ऐसी, जो आपकी सर्कुलर कॉइल थी वो ऐसी रखी हुई, और आपको इस पी पॉइंट पर पता करना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस फॉर्म में आपकी दिख रही है, तो आर की जो वैल्यू होगी, डिस्टेंस जो होगी पी पॉइंट के लिए, वो करंट के परपेंडिकुलर होगी ना, इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व देखो, ये पीछे जा रहा है, और ये आपको ऐसा लग रहा होगा यही यही तो है, यही यही नहीं है, 3D में समझने की कोशिश करो, एक्चुअल में इस तरफ है और ये इस तरफ, देखो ये इधर ऐसे 90 डिग्री में, और r डिस्टेंस ऐसी आ रही, तो अगर ऑब्जर्व करें तो 90 डिग्री में ना ये चीज़। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस एलिमेंटल पोर्शन की एक्चुअल में यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस हो रही वो देख रहे हैं, और ये वाले पोर्शन की यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही वो देख रहे हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता चल गया, एक इधर एक इधर, मतलब इधर भी डीबी इधर भी डीबी। मुझे एक बात बताओ, नेट रिजल्टेंट किधर निकलेगा, बीचों बीच निकलेगा, डीबी साइन थीटा। हाँ यार, तो मुझे एक बात बताना, यहां पे आप लोग को एंगल थीटा दिख रहा है, यहां पे एंगल थीटा दिख रहा है, इसी वजह से यहां पे और यहां पे भी एंगल थीटा थीटा बन जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, डीबी की वजह से यहां पे क्या बनेगा, डीबी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल, और अपोजिट में रहे तो डीबी साइन थीटा, मतलब यहां पे क्या बनना चाहिए था, डीबी साइन थीटा। सेम टू सेम इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या बनेगा, डीबी कॉस थीटा, और सेम टू सेम एंगल के अपोजिट में तो यहां क्या बनेगा, डीबी साइन थीटा। हाँ है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरी डीबी साइन थीटा तरफ ही निकलने वाली है, और अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं 2πr से तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए भाई, हमें क्या करना है, बायो सावर्ट लॉ लगाना है। देखो भाई, नामकरण पहले थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। ये वाले डिस्टेंस का नाम r है, ये कैपिटल R रेडियस दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को A दिया गया है। तो चलिए काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, बायो सावर्ट लॉ के थ्रू निकालने वाले हो। आप लोग बेसिकली क्या करोगे, बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ साइन 90 हो गया, साइन 90 मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई ना।
मुझे एक बात बताओ, क्या डीबी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे? नहीं है, डीबी साइन थीटा है। तो हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। तो यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर है। अब देखो साइन थीटा है, अगर मैं ये वाला ट्रेंगल ऑब्जर्व करता हूं तो इसमें देखना होगा आप लोग को, ये है आर डिस्टेंस जो कि आप लोग का हाइपोटेनियस, और ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना, आर अपॉन स्मॉल आर, तो यही होता ना साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। क्लियर दोस्तों, परपेंडिकुलर आर हाइपोटेनियस आर। तो साइन थीटा की जगह पे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर रख सकता हूँ, देखो भाई यही किया मैंने, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे रख दिया, इसको इसके साथ इंटू किया तो ये 3 times हो गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। आइडियल का ही इंटीग्रेशन, बाकी सब बाहर, देखो भाई आइडियल का ही इंटीग्रेशन, बाकी सब बाहर। डीएल के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, एल हो जाएगा 0 to 2πr के, यहाँ पे इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखे, देख लो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2πr हो गया आपका। अब अच्छे से ऑब्जर्व करना, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन आपकी ये बच गई, मतलब म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3 आ गया। क्लियर दोस्त, अगर आप चाहो तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपके पास ये ट्रेंगल था, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस की इक्वेशन लगाएं तो r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस विच इज इक्वल टू कैपिटल r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, बोथ साइड अंडर रूट लगाऊं तो r की वैल्यू ये आ गई। इसकी वैल्यू अगर मैंने बेसिकली यहाँ पुट कर दिया तो मेरी इक्वेशन ये निकल के आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, अंडर रूट है तो अंडर रूट को मैं क्या हाफ लिख सकता हूँ पावर में, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, पावर में हाफ लिखा इंटू 3 कर दिया। ध्यान देना यहाँ पहले ही 3 था और ये अंडर रूट है, अंडर रूट को हाफ लिखा जा सकता है, तो पावर में हाफ ऐड हो जाएगा। इस वजह से ये इक्वेशन आपकी निकल के आएगी, म्यू नॉट आई कैपिटल आर की पावर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की बाहर पावर 3/2। क्लियर दोस्त, तो ये आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग के लिए निकल कर आ जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लॉ जिसका नाम है एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ भी ना एक किस्म से एक ऐसे टाइप का मतलब लॉ है जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड को ही पता करने के काम आता है। जैसे बायो सेवर्ट लॉ था, वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंटल पोर्शन की निकाल पा रहे थे, एम्पेयर्स लॉ में आप लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो डायरेक्टली। क्लियर दोस्तों, एक चीज याद रखना, जैसे वो कूलॉम्स लॉ जैसे था बायो सेवर्ट लॉ, सेम टू सेम कूलॉम्स लॉ के बाद गॉस लॉ आया था, तो सेम टू सेम यहाँ पे आया एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ गॉस लॉ एक जैसा दिखेगा। एम्पेयर्स लॉ में एम्पेयर्स लूप बनाया जाता, वहां पे गॉसियन सरफेस बनाया जाता था, गॉसियन सरफेस वहां पे 3D सरफेस रहता था, यहाँ पे एम्पेयर्स लूप 2D सरफेस होता था, वहां पे वो एप्सा 1/ε0 टाइम्स चार्जेस इंक्लूज विद इन द सरफेस होता था, ये वाला होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज विद इन द क्लोज लूप होता है। समझ में आया? चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एम्पेयर्स लॉ करता गया। एम्पेयर्स लॉ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। ये लॉ होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, डॉट है इसलिए कॉस थीटा आएगा बाद में, याद रखिएगा। ये होता क्या है, द सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज कर्व इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज विद इन द क्लोज सर्फेस। याद रखिएगा, आप लोग को एम्पेयर्स लॉ के थ्रू अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर न्यूमेरिकल, या अगर आप लोग आगे जाके कोई भी टॉपिक को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले एम्पेयर लूप बनाना आना चाहिए। याद रखिएगा एम्पेयर्स लॉ का इंपॉर्टेंस ही यही है कि भाई लूप के अंदर जो भी करंट है उसको कंसिडर किया जाएगा, इसलिए तो लिखा विद इन द क्लोज सर्फेस। तो यहाँ पे देखो करंट इनसाइड भी लिखा है, तो जो भी लूप के अंदर में जो करंट है उसको लिया जाता है एम्पेयर्स लॉ में, मतलब ये वाले लॉ को करंट को नहीं लेंगे, याद रखिएगा। तो ये आप लोग को बेसिकली इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इसके थ्रू आप लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हो। याद रखिएगा ये लॉ ना एप्लीकेबल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो डी एल लेंथ के, या फिर नॉर्मल हो डी एल लेंथ के, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही वैनिश हो। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आप लोग, तो चलिए देखते हैं इसकी एकमात्र एप्लीकेशन जो एग्जाम में आ सकती है, होप सो। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटिसिमली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब एक बहुत लंबा वायर है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, मान लो इसमें करंट आई दौड़ रहा है, तो करंट ऊपर दौड़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा होगा। तो देख लो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा बन रहा है, इस तरफ में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिख रही है, इस तरफ में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिख रही है, क्लियर है। ये डॉट और क्रॉस का मतलब ये होता है, मान लो आपने कभी ना कभी जिंदगी में तीर कमान तो देखे होंगे, तीर जब तीर छोड़ोगे तो पीछे वाला हिस्सा दिखेगा ना क्रॉस टाइप का, मतलब अंदर जा रहा है, मतलब आप देखो ऐसा लगेगा उधर जा रहा है, क्लियर अंदर। और जब तीर आपको कोई मारेगा तो तीर का सामने वाला नुकीला पॉइंट दिखेगा, तो मान लो आपकी तरफ आ रहा है, लेम जोक था लेकिन समझ जाना, क्लियर है भाई। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिख रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिख रही है, क्लियर दोस्तों। बेसिकली आपको पता करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली करना क्या है भाई, सीधी सिंपल बात, ये एम्पेयर्स लॉ के थ्रू सॉल्व करना है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और म्यू नॉट
आई इनसाइड हो जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीएल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन, तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू क्या हुई, 0 डिग्री। खत्म गानी, खत्म नहीं खत्म है तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। तो भाई जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कॉस 0 1 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये बन जाएगी। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना ये डेरिवेटिव कौन डीएल, तो ये बाहर आएगा कौन बी की वैल्यू, तो डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, एक सर्कुलर लूप के लिए एल हो जाएगा, और टोटल लेंथ क्या होती है भाई सर्कल की, 2πr होती है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इंटीग्रल और डीएल को मैं डायरेक्टली 2πr लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली रिप्लेस करता हूँ 2πr से, तो कोई हर्ज तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। 2πr को आपको नीचे ले लेना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई इनसाइड अपॉन 2πr हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलो तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलेनॉइड को हम लोग कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड में, और साथ ही साथ बिहेव करता है एज लाइक अ बार मैग्नेट। क्लियर दोस्तों? याद रखिए, तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। ये याद रखिएगा, ये इतना ज्यादा इसकी लेंथ होती है कि भाई इसका रेडियस उसके सामने पिद्दू सा दिखे। मतलब क्या, मैं कह सकता हूँ कि सोलेनॉइड की एक्चुअल में लेंथ ज्यादा होती है उसके रेडियस के कंपेरिजन में। इसी के साथ साथ इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले आप लोग को एक इंसुलेटेड कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेना है, उसके ऊपर आपको वायर को ऐसे वाउंड कर देना ढेर से बार, क्लियर है, जैसे आपको दिख रहा है, और करंट दौड़ा देना है। तो जब आप करंट दौड़ाओगे तो करंट यहां दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, मतलब करंट इस फॉर्म में, मतलब ऐसे देखो, राइट हैंड थंब रूल को टेढ़ा करो, कर्ल करो इस तरफ, तो करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो सकता है, कैमरे का डायरेक्शन ऐसा हो, तो आप चेक कर लेना। क्लियर भाई? तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि करंट नीचे के, मतलब इस फॉर्म में आप लोग, अरे अरे छी छी छी, करंट इस फॉर्म में आ रहा, अरे 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 करंट, अरे 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 भैया भैया, करंट इस फॉर्म में आ रहा है ना, ऐसे फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आपको जाते हुए दिखेगी। मुझे एक बात बताना, अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, बैटरी अपोजिट कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी या फिर सेम जिस तरफ जा रही थी उस तरफ जाएगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। क्लियर दोस्त? तो याद रखना, हेलिकल स्प्रिंग के तौर पे बनाना जरूरी रहता है, तभी सोलेनॉइड बनाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स बहुत मैटर करते हैं, जितने एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर दोस्तों? यहां तक क्लियर है। कुछ कंडीशंस होती है, वायर यहां पे इंसुलेटेड टाइप का होना चाहिए। सोलेनॉइड को अगर आप लोग फ्रीली सस्पेंड करते हो बार मैग्नेट की तरह, तो बार मैग्नेट भी नॉर्थ साउथ में अपने आप अलाइंड हो जाता था, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सोलेनॉइड भी अपने आप अलाइंड हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? और यही एक किस्म से प्रॉपर्टी बताएगा कि यार ये भी बार मैग्नेट जैसे ही है। नोट में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वही चीज कि अगर पोलैरिटी चेंज करोगे आप बैटरी की, तो करंट का डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? जैसे आप लोग को ये दिख रहा है क्या, सोलेनॉइड वायर गया पीछे से, सामने से आया, फिर लूप आया, ऐसे दिख रहा है आपको, हाँ है ना, इस तरीके से। मैंने क्या करा, इस सोलेनॉइड को एक नाइफ लिया, नाइफ से कट कर दिया हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली समझ लो। जब मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करूंगा, तो क्या मुझे ये इस फॉर्म में दिखेगा, सच बताना, क्या मुझे ये ऐसा दिखेगा जैसा दिख रहा है यहां पे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे सभी लोग, क्या मुझे ये ऐसा दिखेगा, होप सो तुमको दिख रहा हो कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो एक काम करता हूँ, रुको, हाँ आ गया, गया। सॉरी तो देखो भाई, जैसे आप इसको कट करोगे, मान लो आपने इसको नाइफ से कट करे, तो इसके अंदर का ही पोर्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऊपर से वायर इस तरफ आ रहा है, मैं कह सकता हूँ करंट आ रहा है, और नीचे से करंट जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, हाँ है ना, तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर से वायर देखो, ये गया वायर, सामने से करंट आया, फिर वायर अंदर चला गया था, है ना, फिर पीछे से आया, फिर करंट आया, फिर पीछे चला गया। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले फेस में मुझे लग रहा है कि करंट आउटवर्ड फेस में, नीचे वाले में दिख रहा है कि करंट इनवर्ड फेस में, एग्री कर रहे हो कि नहीं? और इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फॉर्म में ना, इस तरफ, हाँ है ना, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ सोलेनॉइड को काट कर हम देख रहे हैं और कुछ नहीं है, अदरवाइज सोलेनॉइड ऐसा ही दिख रहा होगा। आप लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आया दोस्तों, हाँ है ना। चलिए भाई, तो अब क्वेश्चन आप लोग से आ सकता है कि सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो भाई डायग्राम देखना, ये डायग्राम दिख रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, हम क्या क्या हमें मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या करना है, हमें ना मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, दो ही लॉ मतलब दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो बायोसावर्ट के थ्रू या तो एम्पियर्स। तो हम लोग एम्पियर्स के थ्रू करने वाले हैं। एम्पियर्स के थ्रू करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें पहले वहाँ पे एक एम्पियर्स लूप बनाना पड़ता है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप बना दिए, ए बी बी सी सी डी डी ए, क्लियर दोस्तों? हाँ है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, जो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है ना, बी डॉट डी एल इंटीग्रल, तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, तो अभी समझाता हूँ, रुको रुको। तो हमें क्या करें, यहाँ से यहाँ तक के x दे दिए, यहाँ से यहाँ तक के h दे दिए, x का नाम लेना ही गलत कर दिए भैया, दिल तोड़ दिए। चलिए भाई, तो एम्पियर्स के लूप की बात करते हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू इनसाइड, सॉरी म्यू नॉट आई इनसाइड, क्लियर है? हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि डी एल हमारे पास अलग अलग है। देखो, एक ही डीएल नहीं है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है। तो चलिए काम करते हैं, सबसे पहले टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल निकाल लेते। तो बी डॉट डीएल किस किस के लिए निकलेंगी, ए टू बी इंटीग्रेशन के लिए, बी टू सी इंटीग्रेशन के लिए, सी टू डी इंटीग्रेशन के लिए, और एक निकलेगी डी टू ए इंटीग्रेशन के लिए। हाँ है ना, इसके लिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। हाँ है ना, एक बात बताना सभी लोग मुझे, यहां पे क्या निकल पाएगी मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल निकलेगी भैया, और जो डीएल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जीरो डिग्री फॉर्म कर रहा है। हाँ है ना, यहां पे ये वाली लेंथ 90 डिग्री, यहां पे ये जीरो डिग्री, ये 90 डिग्री, क्लियर दोस्तों? देख लो भाई, तो डॉट प्रोडक्ट हटाए तो कॉस जीरो कॉस 90, कॉस जीरो कॉस 90, कोई दिक्कत कंफ्यूजन? अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस है, यही वाला है बस। बाकी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये वाला पोर्शन तो लूप के बाहर है, ये वाला पोर्शन तो एक्चुअल में सोलेनोइड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड तो वहां इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रही, तो वहां पे क्या होगा डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी ना भाई, खत्म कहानी। ऐसा क्यों हुआ, ये वाला जो पोर्शन था सी टू डी वाला, ये बाहर होने की वजह से डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, बाकी जो कॉस 90 है कॉस 90 वाला तो जीरो हो जाएंगे। बचा कितना पोर्शन, सिर्फ ये वाला जो ए टू बी था, एट दी एंड सिर्फ इसी की निकल पाएगी, क्लियर दोस्तों यहां तक के? तो बी की वैल्यू को बाहर ले लो तो आपका इतना हो जाएगा। डी एल कितना था भाई, टोटल लेंथ कितनी थी यहां से यहां तक के, एच थी, तो इसकी वैल्यू को एच ले लिया, दिख रहा है बी एच हो गया, मतलब मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू है बी एच। क्या ये टोटल करंट है सोलेनोइड के लिए, सोलेनोइड के अंदर तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एक काम करते हैं, एन नंबर ऑफ करंट इसमें दौड़ रहा होगा, और एन की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना जो कैपिटल एन है उसकी भी एक वैल्यू होती है। याद रखिएगा, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, और लेंथ कितनी थी भाई, लेंथ थी आप लोग की एच, तो एन बाय एच। तो यहां से एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, वो निकल जाएगी स्मॉल एन एच। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आप लोग को ना देखो करंट की वैल्यू कितनी आई थी, कैपिटल एन आए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आए, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी थी स्मॉल एन एच इंटू आए, तो देखो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, आई इनसाइड स्मॉल एन एच आई, क्लियर दोस्तों? तो देखो करंट की वैल्यू निकल गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल गई, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे आगे बढ़ेंगे, तो देखो बी एच म्यू नॉट स्मॉल एन स्मॉल एच आई, क्लियर दोस्त? एच से एच कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट स्मॉल एन आई, क्लियर दोस्तों? यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के थ्रू निकलती है, तो वो निकलती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़े, तो चलिए अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से किसी स्पेसिफिक चार्ज को या किसी स्पेसिफिक वायर के तरफ कोई एक ऐसे टाइप का फोर्स लग रहा है जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इन्फ्लुएंस है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर दोस्तों यहां तक के? तो मैं कह सकता हूं कि मान लो कि एक वायर है, दिख रहा है आपको स्पेसिफिकली एक वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है, और मान लो एक चार्ज वी वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि करंट दौड़ रहा है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकती है और चार्ज को अपने तरफ खींच सकती है, समझ में आया? और वो जो फोर्स लग रहा होगा उस चार्ज पे, वो लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर दोस्तों? और वो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर आप चाहो तो उसको वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हो। एक और चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स में जो वर्क डन होता है वो जीरो लगता है, इसको आप लोग बेसिक फॉर्म में याद रख लो, इससे ज़्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स ना एक किस्म से कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्लियर दोस्त? मतलब क्या, लॉरेंस फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, मान लो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फ्लुएंस हो रही, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, दोनों टाइप की फील्ड लग रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस सिस्टम के अंदर। मैंने क्या करा, इस सिस्टम के अंदर जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे एक अगर एक चार्ज को प्लेस कर दूँ तो चार्ज को इस तरफ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आपको बेसिकली करना क्या है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लगाना। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे ये होता है फोर्स, ये होता है आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है आप लोग का करंट या चार्ज का डायरेक्शन है वी वेलोसिटी। क्लियर दोस्त? मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, तो इसलिए मैंने बी को आपके तरफ किया। चार्जेस इस तरफ दौड़ रहा तो फोर्स कहाँ लग रहा, ऊपर की तरफ। तो देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। इस वजह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को अगर आप रख दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वहां पे दो टाइप के फोर्स साइमल्टेनियसली लगेंगे, वो रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो चार्ज में दो तरीके के फोर्स साथ में लग रहे हैं और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों साथ में लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लग रहा होगा, क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, हाँ है ना, और इसमें से दोनों में से क्यू कॉमन निकालो तो नेट फोर्स आप लोग का ये निकल के आ जाए। तो याद रखिएगा इस कॉम्बिनेशन के ऊपर साइक्लोट्रॉन, वेलोसिटी सिलेक्टर, कैथोड रे ट्यूब ये सब वर्क करते हैं। जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसे टाइप का डिवाइस है या ऐसे टाइप का अरेंजमेंट है या ऐसे टाइप का रीजन है जहां पे आप लोग बेसिकली करते क्या हो, किसी भी स्पेसिफिक चार्ज की क्या पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो भाग रहा है वो पता कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक्चुअल में आपको करना क्या रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है सबसे पहले, और एक चार्ज को आप लोग उसको इसके अंदर फेंक दो। क्लियर दोस्त? अगर इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर लग रहा है तो चार्ज सीधा चले जाएगा। क्लियर दोस्त? अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में तो चार्ज पैराबोलिक कर्व बनाते हुए ऊपर की तरफ चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स कम लग रहा है तो उस टाइम पे पैराबोलिक कर्व बनाते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये चीज आप लोग को याद रखनी। मैंने कहा कि चार्ज जो है अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब बराबर लगेगा तो सीधा चल जाएगा। किस वेलोसिटी के साथ, आइए जानते हैं। तो हमने क्या करें, दोनों फोर्सेस को बराबर ले लिए, ये होता है क्यू ई और ये होता है क्यू वी नॉट और ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन मैक्सिमम के लिए ले रहे हैं इसलिए क्यू वी बी ले लिए। क्लियर दोस्तों? अब मुझे बताओ, क्यू से क्यू उड़ा दो तो आपके पास ई की वैल्यू ये बच गई, वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई बाय बी। ये होती है वेलोसिटी उस स्पेसिफिक चार्ज की जब वो एकदम सीधे निकल रहा है, मतलब दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है। हाँ ना, अरे समझो ना यार, जैसे पता चल रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड को छोड़कर आप किसी और के साथ डेट में कैफे में चले गए और गलती से उसने भी आपको देख दी, आपके लिए दो लड़कियों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई और दोनों लड़कियाँ इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगी, तो मुझे एक बात बताना, आप हिलोगे भी नहीं। हाँ ना, सेम टू सेम यही हुआ, चार्ज को इस तरफ भी फोर्स लग रहा था इस तरफ भी, लेकिन दोनों बराबर लगा तो सीधा चला गया। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ज़्यादा तेज खींची तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। मान लो उसने मतलब आपकी गर्लफ्रेंड ने नहीं, जिसके साथ आप आए हो ऐसे ही, जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ खींचे तो उधर चले गए। समझ गया ना अपनी बात? क्लियर है भाई? तो चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कि अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एक कंडक्टर रॉड को अगर रख देता हूँ तो बेसिकली उसके ऊपर फोर्स लगने लग जाता है। कैसे, तो आइए जानते हैं। मैंने एक अरेंजमेंट किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने एक वायर का ऐसा अरेंजमेंट बनाया जो कि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड था। क्लियर दोस्तों? हाँ यार, इसके साथ साथ मैंने बीचों बीच में ना एक हॉर्स शू शेप का मैग्नेट रख दिया, जिसका नॉर्थ ये है साउथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ इस तरीके से लग रही है, दिख रहा है सबको? हाँ यार, और यहाँ पे कंडक्टर वायर के ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक के? और मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे ही मैं बैटरी ऑन करूँगा तो ऑब्जर्व करूँगा कि जो कंडक्टर है वो अपने आप मूव करने लग जाएगा। समझ में आया? ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, ये तो साइड व्यू हो गया, ऊपर से देखोगे तो मैग्नेट इस तरीके से दिखेगा। अरे इसका ऊपर का ही फेस दिखेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाते हुए दिखेगा अगर ऊपर से देखोगे तो बैटरी से करंट ये जा रहा है, दिख रहा है ऐसे जाते हुए दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। बेसिकली मुझे करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो करंट दौड़ेगा, करंट इधर भी जाएगा, और एक बात तो ये है कि करंट इधर भी जाएगा, एग्री करते हो? और अगर करंट इधर जाएगा, ध्यान देना, अगर करंट इधर दौड़ेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है तो थोड़ा दिमाग लगाना। फिर से आप लोग को निकालना होगा क्या, फ्लेमिंग्स का आप लोग यूज कर सकते हो, या आप लोग को एक बार पाम रूल के थ्रू समझाता हूँ। पाम रूल में क्या होता है, जो सारी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है और जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन शो करता है और जो पाम है वो फोर्स का डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है? तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, देखो ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है,
हाँ जी, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो फोर्स किस तरफ है? जिस तरफ पाम, पाम किस तरफ फेस कर रहा है? इस तरफ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे करंट दौड़ाओगे आप लोग इस कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर में करंट इधर दौड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दौड़ेगी, तो जो फोर्स है वो इस तरफ लगने लग जाएगा। इस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूँ, मतलब करंट इधर से दौड़ने लग जाए, तो करंट इधर दौड़ने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है लेकिन करंट नीचे, पाम का डायरेक्शन इस तरफ, तो मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे फोर्स इस तरफ लगेगा। क्लियर दोस्त? तो मेन मोटो यार ये था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो एक्चुअल में उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है, ये अपने आप रोटेट करेगा। क्लियर दोस्तों? जैसे ही आप बैटरी बंद करोगे तो रुक जाएगा ये कंडक्टर। क्लियर है भाई लोग? समझ में आया? अब एक बात बताना, आप लोग कहोगे कि कितने फोर्स से भागेगा? जितना ज्यादा करंट दौड़ाओगे उतने तेजी तेजी, मतलब उतने ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। क्लियर दोस्त? इसके अलावा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है कि भाई जो वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, और जो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो रहा है या इधर हो रहा है ये किस पर डिपेंड करेगा? एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे और एक करंट के डायरेक्शन पे। समझ में आया भाई लोग? चलो बात कर लेते हैं कि आखिर वो कितना फोर्स लग रहा है भाई इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर। तो आइए जानते हैं। तो कितना लग रहा होगा? क्यू वी बी साइन थीटा लग रहा होगा। हमें बेसिकली क्या करना है, टी से इंटू टी से डिवाइड कर देना है। जैसे आप इसको करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, एक टी इसके नीचे ले लेना है, मतलब क्यू बाई टी, और एक टी इस वी के साथ ले लेना है। तो क्यू बाई टी कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा करंट, और वी इंटू टी मतलब V मतलब आप लोग का स्पीड, T मतलब टाइम, और ये होता क्या है कितना डिस्टेंस। D की वैल्यू, और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे? L है। हाँ है ना, देख लो ना भाई, L है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करके हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का L, ये हो जाएगा I। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, F which is equal to I small L B sin theta, या मैं कह सकता हूँ I ब्रैकेट के अंदर L क्रॉस B। क्लियर दोस्तों? तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ, जिसका नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या? दो करंट कैरिंग कंडक्टर, दो ऐसे वायर है जिसमें सेम करंट दौड़ रहा है, या दो ऐसे वायर जिसमें अपोजिट फॉर्म में करंट दौड़ रहा है, मान लो इसका करंट इधर इसका नीचे, तो इनके बीच में कैसे फोर्स लगता है ये आप लोग को बताना है। तो शॉर्ट ट्रिक एक समझा देता हूँ कि दो वायर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट दौड़ रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और जब करंट अपोजिट फॉर्म में दौड़ रहा है तो एक दूसरे से रिपेल होते हैं। क्लियर दोस्तों? ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। हम लोग देखने वाले फोर्स बिटवीन पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम लोग, देखो भाई आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भैया एंटी पैरेलल वाला करना है कि नहीं, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इस वजह से मैं आप लोग को एक ही वाला डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। इसके अपोजिट वाला भी सेम ही होता है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना, एग्जाम में आएगा नहीं मोस्ट पॉसिबल। क्लियर है भाई? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे दो वायर हैं जिसमें सेम तरफ करंट दौड़ रहा है, इसमें जो करंट दौड़ रहा है I1 है, इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो I2 है। दोनों वायर के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। क्लियर दोस्त? अच्छे से ऑब्जर्व करना, पहले वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? आप कहोगे भैया फोर्स 1 होगा, लेकिन किसके वजह से लग रहा है? सेकंड वायर की वजह से। अगर सेकंड वायर होता ही नहीं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं, इसलिए 1-2 लिखा है। अगर मैं कहता हूँ कि सेकंड वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो है F2, क्योंकि सेकंड वाले वायर का फोर्स है, लेकिन F21 लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है सेकंड वाले वायर पे ये फर्स्ट वाले की वजह से लग रहा है। अगर फर्स्ट वाला वायर नहीं प्रेजेंट होता तो सेकंड में करंट लगता ही नहीं। वायर्स की लेंथ मैंने मान लिया L लेंथ है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। क्लियर दोस्तों? समझने की कोशिश करना ध्यान से। पहला वाला जो वायर दूसरे वाले वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाले वायर पे दूसरे वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसलिए वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहे थे ना, मूविंग चार्जेस जब एक करंट कैरिंग वायर के करीब रहे तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ या ना? दूसरे वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो पहले वाले वायर की वजह से लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले वायर को इन्फ्लुएंस कर रही है और अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस दौड़ रहे इसके अंदर और ये अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? कन्फ्यूज नहीं होना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं F21 के लिए सेकेंड वाले वायर का, सेकेंड वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा है पहले के वजह से। क्लियर दोस्त? तो पहली चीज तो ये सुनने में समझ में आ रहा है, सेकेंड वाले वायर पे फोर्स लग रहा है, मतलब कि सेकेंड वाले वायर पे फोर्स लग रहा है, तो किसके वजह से लग रहा होगा? पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर के फॉर्म में, मतलब इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, इस वजह से ये वायर को इस तरफ खींचेगा। समझ गए दोस्तों? हाँ या ना? मान लो ये वायर और इसके अंदर करंट ऐसे, चार्जेस ऐसे दौड़ रहे, तो इस वजह से फोर्सेस इधर लग रहा है। तो बेसिकली आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, IBL साइन थीटा, यहीं पे खेल है भाई। यहाँ पे आप फोर्स क्या लोगे? F21। लेकिन करंट कौन सा लोगे? पहली चीज तो ये, हम किसके लिए निकाल रहे हैं?
दूसरे वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा, तो उसमें कितना करंट दौड़ रहा है, आई टू। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी रखोगे, सेकंड वाले वायर की? नहीं, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वाला वायर इन्फ्लुएंस हुआ, सेकंड वाली की मैग्नेटिक फील्ड या फर्स्ट की? फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यहाँ पे बी वन रखा गया है, एल साइन थीटा, बाकी सब कुछ सेम। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, एफ टू वन की वैल्यू हो जाएगी आई टू बी वन एल। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो बी वन है, हाँ या ना? बी वन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाले ना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, हाँ या ना? तो इसमें बी वन मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से बनी, पहले वाले वायर की वजह से। इस वजह से यहाँ पे करंट वन लेंगे हम लोग, तो यहाँ बी वन, बी वन इस तरीके से लिया जाएगा। और आर मतलब आर की जगह पे यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस डी ली जाएगी। तो इस इक्वेशन को बेसिकली यहाँ पुट कर देना है, जैसे आप पुट करोगे तो एल को आपको नीचे लेकर आ जाना है और इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकंड वायर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। क्लियर है? इसके अपोजिट का निकाल के देखते हैं हम लोग। अब क्या करने वाले हैं कि पहले वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा हो किसके वजह से लग रहा होगा, सेकंड वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। समझ में आया दोस्त? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। फोर्स लेंगे आई बी एल साइन थीटा। पहली चीज, कौन से वाले वायर पे फोर्स लग रहा था, पहले वाले वायर पे, उस पर करेंट क्या था, आई वन। किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पहले वाला वायर इन्फ्लुएंस हो रहा है, सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसलिए आई वन बी टू एल साइन थीटा लिखा हुआ है और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और एफ टू वन की वैल्यू हो जाएगी आई वन बी टू एल। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे बी टू की वैल्यू आप लोग रखोगे क्या, सेम वैसे ही यहाँ बी टू के फॉर्म में ले लोगे, इसको आई टू ले लोगे, इस इक्वेशन को यहाँ पुट करोगे और आप ऑब्जर्व करोगे कि एल को नीचे लेकर आओगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। आप ऑब्जर्व करना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स बराबर आए। क्लियर दोस्तों? इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन वन एम्पेयर इन द टर्म ऑफ फोर्स। फोर्स के टर्म में डिफाइन करने को बोल रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो वायर ले लो, दोनों वायर पे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि सेम डायरेक्शन पे करंट दौड़ रहा है और ये जो करंट दौड़ रहा है 1 एम्पीयर का करंट है दोनों वायर पे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर अपार्ट एक दूसरे से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ बाय एल म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 1 ले लेना है, इसकी वैल्यू 1 ले लेना है, तो जो वैल्यू कट पिट कर निकल कर आएगी वो आएगी 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्लियर दोस्तों? तो 1 एम्पेयर को आप ऐसा डिफाइन कर लेना कि इफ अ करंट विच इज फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर विच कैरीज 1 एम्पेयर ईच विच आर प्लेस्ड अपार्ट एट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड विच आर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड टू ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। क्लियर दोस्तों? ऐसे आपको करने के लिए एक नंबर में आ सकता है, तो ये डेरिवेशन छोटा सा सॉल्व करके आप बता देना और ये डायग्राम बना लेना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक डेफिनेशन बना लेना। खत्म कहानी कि जब दोनों वायर पे सेम अमाउंट का करंट आई 1 एम्पीयर का दौड़ेगा, दोनों वायर एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे अपार्ट रहेंगे, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की। ये उसकी डेफिनेशन है। समझ में आया? तो चलिए भाई अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की तरह यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दिखेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या था, Q इंटू टू एल था, तो यहाँ पे क्या है, Q वहाँ पे चार्जेस था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं या पोल्स की स्ट्रेंथ, बेसिक वे में पोल स्ट्रेंथ समझ लो कि नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ क्या है, साउथ की पोल स्ट्रेंथ क्या है, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू टोटल लेंथ 2L, दैट इज दी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर दोस्तों? हाँ या ना? मैग्नेटिक डायपोल जो रहता है एक्चुअल में, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक्चुअल में मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ को पता करने के काम आता है। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको कैपिटल M से डिनोट करता है, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ लूप। मान लो ये करंट दौड़ रहा है इस तरफ और इस तरफ में आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड बन रही, तो ये उसका एरिया ऑफ लूप है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, काफी ज्यादा काम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आई ए हो जाएगा, हाँ या ना? तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो एटलीस्ट याद रखना। चलिए भाई, इसी तरीके से यहां पे ये समझाया गया है कि करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। तो देखो, ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट इस फॉर्म में दौड़ रहा है, हाँ या ना? तो करंट ऐसे दौड़ रहा है कि नहीं, करंट ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ इस तरीके से। क्लियर दोस्तों? इसी के साथ साथ जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है वो नॉर्थ पोल रहेगा, जिसके तरफ से अंदर आ रही है वो साउथ, मतलब समझ लो ये करंट कैरिंग ये करंट कैरिंग कॉइल है। क्लियर दोस्त? तो नीचे तरफ में नॉर्थ बन रहा है, ऊपर में साउथ, क्योंकि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, नीचे से जा रही है। सेम कॉन्सेप्ट आपको बाहर मैग्नेट में भी दिख रहा है, बाजू में चेक करो, यहाँ नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, साउथ के अंदर आ रही है, फिर साउथ से नॉर्थ जा रही है। देखो, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ। इस वजह से कहा जाता है करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। क्लियर दोस्तों? इसके बाद अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, परेशान नहीं होना, आराम से समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं,
हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, दिख रहा है आपको, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, हाँ यार, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप को मैंने प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस किया तो उसमें मैंने करंट दौड़ा दिया, क्लियर है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ ये करंट कैरिंग कॉइल को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होता है उसके साथ। तो हमने इस डेरिवेशन से ये समझे कि जैसे आप लोग करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो ये जो कॉइल है इस पे फोर्स लगने लग जाते हैं दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से फोर्स लगेंगे तो ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो टॉर्क जनरेट होगा। तो एक्चुअल में मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करता हूँ तो ये टॉर्क जनरेट करता है। समझ में आया सबको? तो मैंने क्या करा, इस कॉइल का ये वाली लेंथ को ए नाम दिया, ये वाली लेंथ को बी नाम दिया, कॉइल का नाम दिया पी क्यू आर एस, करंट यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया ऐसा आ गया, क्लियर भाई। दो फोर्सेस लग रहे इसके कोने पे। ये जो साइड व्यू है ये इतना काम का नहीं है, हमें इसका फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू देखना, मतलब इसी कॉइल के ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो मुझे एक बात बताना, सिर्फ ये वाला फेस दिखेगा है ना, और मैग्नेट्स दिखेंगे। तो देखो मैग्नेट दिख रहा है, ऊपर वाला फेस दिख रहा है, ऊपर वाले फेस की लेंथ क्या थी, बी थी, हाँ है ना, हाँ है ना। अब देखो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, क्लियर दोस्तों। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं, मान लिए फोर्स लग रहे भैया, एट द एंड तो हमें टॉर्क निकालना है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो है भैया लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है। तो हमने क्या करे, इस लूप में देखो ये एक्चुअल लूप है और ये एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर दिए ऐसे, क्लियर दोस्तों। तो मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बन गया और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। मुझे एक बात बताना, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये आप लोग का परपेंडिकुलर और ये आप लोग का हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं ये वाली लाइन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा विच इज इक्वल टू जाएगा पी बाय एच, तो मतलब ओ आर अपॉन बी, क्लियर दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ ओ आर की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा, तो ये वाली लेंथ आ गई बी साइन थीटा। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक के समझ में आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है करंट कैरिंग लूप के अंदर, तो वो हो रहा है टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या टाउ विच इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। डी आर की वैल्यू क्या है भाई, अब भी निकाले बी साइन थीटा, तो जैसे मैं इसको यहाँ पुट करा दूंगा तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एफ स्मॉल बी साइन थीटा, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना आप लोग अच्छे से, ये फोर्स कितना है IBL साइन थीटा, अरे अभी तो निकाल लेते ना, जो फोर्स लग रहा होगा वो IBL साइन थीटा, इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे रख दो। लेकिन रखने से पहले एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो कॉइल की लेंथ है वो है A, समझ में आया दोस्तों। और यहाँ पे एंगल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, साइन 90 होगा, तो भाई 90 वैल्यू ले लो, खत्म कहानी। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, आपने ये एफ की वैल्यू को भी यहाँ पे रखे तो देखो कितना हुआ, आई बी एल की जगह पे आया था ए साइन थीटा और यहाँ पे आया होगा बी साइन थीटा, तो देख लो बी साइन थीटा बचा हुआ और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आया, नहीं आया। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ए इंटू बी क्या है भाई, ए इंटू बी क्या है, सॉरी ए इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या एरिया। तो इसको रिप्लेस करके ए लिख सकता हूँ, तो इसके रिप्लेस करके ए लिख दिया, तो इक्वेशन हो गई टाउ विच इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। और अगर मैं इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ले लूँ तो एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर दोस्त। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एन आई ए क्या था, एन आई ए था मैग्नेटिक मूवमेंट, क्लियर है भाई लोग। तो ये हो जाएगा एन आई ए मैग्नेटिक मूवमेंट, क्लियर है भाई लोग। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, हाँ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व, इसको रिप्लेस करके एम आ गया, इसको रिप्लेस करके कुछ नहीं आया क्योंकि बी तो वहीं रहेगा, तो एम बी साइन थीटा, समझ में आया। तो टाउ की वैल्यू निकल गई, कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है वो पता चल गया आपको। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक, जो हमारा आखिरी टॉपिक रहने वाला है, भाई बहुत लंबा लेक्चर हो गया ना, तो आप अगर यहाँ तक के बने हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हे मोगेम्बो, क्लियर दोस्त। ऐसा मुट्ठी बनाकर, मतलब वैसी वाली नहीं, मतलब मुट्ठी बना के आप लोग ये मोगेम्बो लिख देना, मुझे समझ में आएगा तुमने आखिरी तक तो देखे हो। चलो भाई, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा टाइप का डिवाइस होता है जो पिद्दू से पिद्दू करंट को पता करने का काम आता है। भैया एमीटर भी तो है, उसको क्यों नहीं यूज कर रहे, वो बड़े से बड़े करंट को बता पाता है। ये ना छोटे से छोटे करंट को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में शो कर देता है। इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जो अभी डेरिवेशन समझे ना, ये टॉर्क होना करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही इसका प्रिंसिपल है, इसी पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक करंट कैरिंग कॉइल की जरूरत है, हाँ है ना, क्योंकि टॉर्क तभी तो जनरेट होगा, इसी में करंट दौड़ाना है। इस कॉइल को लटकाने के लिए हमने क्या करें, इसके डब्बे में, अब कोई तो एक डब्बा होगा ना गैल्वेनोमीटर का, तो उसके डब्बे में हमने कॉइल को ऐसे लटका दी बीचों बीच से, ठीक है, यहाँ से ऐसा फिक्स कर दिए फिक्स पॉइंट से, क्लियर दोस्त, जिससे कॉइल लटकी हुई है। लेकिन कॉइल खोखली नहीं है, उसके बीचों बीच जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। तो सॉफ्ट आयरन कोर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन का है, उसके ऊपर ये वाउंडेड है, समझ में आया दोस्त, एन नंबर ऑफ टर्न से ये वाउंडेड है। और ये जो कॉइल है इसी से कनेक्ट है निडल, क्लियर है,
क्योंकि अगर ये रोटेट होगी तो निडल भी इधर उधर डिफ्लेक्ट होगी और ये स्केल पे आपको रीडिंग शो करेगी। साइड में आप लोग को मैग्नेट लगा दी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में तो चाहिए ना। मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग करंट कैरिंग कॉइल को रखोगे तो वो टॉर्क जनरेट करता है, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा तो डिफ्लेक्शन शो होगा। अब एक चीज समझो, जीरो पे था, डिफ्लेक्ट हुआ, अरे वापस भी तो जीरो पे जा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है उसको वापस ले जा सके। इस वजह से यहाँ पे एक स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो वापस से ट्विस्टिंग फोर्स के थ्रू वापस आ सके। समझ में आया? तो ट्विस्टिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए स्प्रिंग यहाँ पे यूज किया जाता है। ऊपर से देखें तो मैंने अब भी कहा ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में, इस वजह से ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का है, इस वजह से यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है। और ये कॉइल रही और ये आप लोग का स्प्रिंग रहा और यहाँ पे आप लोग का सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है। क्लियर है भाई लोग? अब कितना टॉर्क जनरेट हो रहा होगा? अरे जो अभी डेरिवेशन में सॉल्व करें ना, ये इतना टॉर्क जनरेट होता है NIBA साइन थीटा। क्लियर दोस्त? और मैक्सिमम हो रहा है क्यों? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो साइन 90 हो जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा NIAB। क्लियर दोस्तों यहाँ तक के? इसके अलावा आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया ठीक है, मान ली कि जो डिफ्लेक्शन हुआ वो टॉर्क पता चल गया कॉइल को डिफ्लेक्ट होने के बाद, वापस आने का जो ट्विस्टिंग टॉर्क था उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ट्विस्टिंग टॉर्क होता है, तो ट्विस्टिंग टॉर्क एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द स्केल के। जितना ज्यादा स्केल जितना ज्यादा निडल डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा टॉर्क यहाँ पे आप लोग को ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जैसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओ तो सी आ जाएगा, इसको कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर दोस्त? टाउ की वैल्यू ये हो गई, टाउ की वैल्यू ये हो गई, तो दो टाउ की वैल्यू हो गई, एक ये है और एक ये है। दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा NIAB विच इज इक्वल टू C5, और I की वैल्यू ले लूँ तो आपकी I की वैल्यू कितना करंट दौड़ रहा, तो इतना करंट दौड़ रहा है। इसमें से भी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है जो कहता है क्या, जो कांस्टेंट होता है C/NBA, ये कांस्टेंट है। तो ये टर्म को आप लोग G से रिप्लेस कर सकते हो, तो I विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा G5 हो जाएगा, और G क्या है कि सबसे कांस्टेंट है। अरे भाई अगर अभी मैंने देखा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फाई के, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो कांस्टेंट आया। अब इसका ऊपर अपोजिट भी तो लिख सकता ना, प्रोपोर्शनैलिटी वापस ले लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो प्रोपोर्शनैलिटी वापस लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जितना ज्यादा करंट दौड़ेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल शो होगा। ये चीज आपको ये समझ में आता है। इसके अलावा अगला होता है सेंसिटिविटी। कितना सेंसिटिव है यार गैल्वेनोमीटर? तो दो टाइप से आप उसकी सेंसिटिविटी को समझ सकते हो, एक है करंट सेंसिटिविटी, दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी होती है रेशियो ऑफ शंट टू द करंट, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन टू दी वोल्टेज। इसके बाद अगले दो टॉपिक निकल के आते हैं, बहुत छोटे से छोटे पिद्दू से टॉपिक है, दो नंबर के आ सकते हैं कि यार आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो याद रखना पड़ेगा हमेशा आपको कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू तब इंक्रीज कर सकते हैं जब आप लोग गैल्वेनोमीटर के बाजू में एक रेजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर दो। हाँ ना, एट द एंड तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे यहाँ से जो पास हो रहा था वो लो होने लग जाएगा, जिस वजह से पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे रुक जाएगा और इस वजह से हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर होने लग जाएगा। तो बेसिकली अगर आप लोग को गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो आपको हमेशा से एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि गैल्वेनोमीटर के साथ आप लोग को एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देना है, जिस वजह से उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वोल्टमीटर के अंदर। और ये कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, वो आती है V/IG-G। क्लियर दोस्त? V की वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, IG है आप लोग का करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, R है आप लोग का हाई रेजिस्टेंस और G है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि गैल्वेनोमीटर के साथ आप लोग एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, उसी को कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। तो इस वजह से होगा क्या कि यार जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम दौड़ने लग जाएगा और उसके थ्रू आप लोग को एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट रीडिंग शो होने लग जाएगी। तो वही मैंने आप लोग को कहा लो रेजिस्टेंस को ही शंट कहा जाता है, इसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना रहता है गैल्वेनोमीटर के। समझ में आया दोस्त? और उसकी जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है एस की वैल्यू, वो आती है IG/I-G और ब्रैकेट के बाहर कैपिटल जी। तो आई क्या है? टोटल करंट इन द सर्किट, जी है रेजिस्टेंस इन द गैल्वेनोमीटर, एस है रेजिस्टेंस ऑफ द शंट जो कि लो रेजिस्टेंस का है, और IG जो है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है। तो यहां तक के हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। भाई सर की नस फट गई आज चैप्टर पढ़ते पढ़ते, बहुत बड़ा चैप्टर था बट यार समझ में तो आया होगा, है ना? मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा। क्लियर भाई? मीम्स नहीं डाल रहा हूँ सो दैट आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बने रहे। काफ़ी सारे लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस बना के देखते हैं जो आप लोग को लगे कि यार बिना मीम के भी होप सो आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा हो और आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। मिलता मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा एक तगड़ा कॉन्टेंट फिर से
जो बचा हुआ आप लोग का आखिरी चैप्टर मैग्नेटिज्म रहने वाला, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर रहने वाला है इसके बाद वाला चैप्टर। बाकी सारा कंटेंट कवरअप हो चुका है। आई बटन पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अपने दोस्त यारों को शेयर करो। दोस्तों एग्जाम से पहले हम लोग को यार एक अच्छा टारगेट कवरअप करना है, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमको लेकर आना हमारे इस चैनल पे, और आप लोग को रिकमेंड करना अपने छोटे जूनियर्स को, ठीक है ना, अगले साल के लिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए जल्दी से कंटेंट डालूंगा। रियली सॉरी तुम्हारे लिए नहीं डाल पाया, बट नेक्स्ट ईयर के लिए डालूंगा, तो उन लोग का भला हो जाए तो तुम लोग उनको ज़रूर रिकमेंड करना। नया चैनल है, छोटा चैनल है, ग्रो करवा दो यार दोस्तों, तुम लोग के हाथ में। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, और एग्जाम के गैप के बीच में ढेर सारी मैं क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। जितने गैप है उसके बीच में तुम्हारे लिए यूट्यूब पर क्लासेस आएगी, अनअकैडमी के फ्री सेशंस पर क्लासेस आएगी, बहुत सारी चीज़ें भरमार आने वाली। तो टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग को सारी अपडेट्स क्लास रिगार्डिंग की रोज मिलता रहा करेगी। तो मैं हर दिन जल्दी से आप लोग के लिए सारी अपडेट्स डाल दिया करूंगा, ठीक है भाई, और हो सके तो इंस्टा में भी फॉलो अप कर लेना। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो, मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान, बाय।